बात मंडीदीप की, जहां साधुओं के भेष में आए छह लुटेरों ने लूट की है। महिला को बेहोश करके दबा सुगाकर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। इधर खबर ये मिल रही है कि ग्रामीणों ने उन आरोपियों को पकड़ लिया है, मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। देवेंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, साधु के भेष में आए, दवा सुंघाई, महिला बेहोश हो गई, ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। कहां इन्होंने पहले ऐसी वारदात की है, क्या कुछ पुलिस बता रही है? जी विजय जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये मंडीदीप के पोला गांव का पूरा मामला है, जहां ये साधु एक महिला के घर, एक गरीब परिवार है उसके घर पर पहुंचे थे, और इन्होंने अंधविश्वास के जो, चूंकि सावन का महीना चल रहा था, इसमें कहते हैं कि सावन के महीने में पूरा महीना जो है कि भक्ति में होता है, और अधिकांश इस तरीके के साधुओं के झांसों में जो है कि गांव की भोली भाली महिलाएं आ जाती हैं, और इन्होंने उसी का फायदा उठाकर उस महिला के घर पहुंचे, और इन्होंने घर की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से जो लोग टोने टटकर करते हैं और बताते हैं कि आपके घर में ये है, वो है, ये दोस्त, वो दोस्त, इस तरीके का मामला बताते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार में ये सारी चीजें बताई हैं। उसके बाद उन्हें कोई नशीला जो है कि पदार्थ सुंघाया है, जिसके बाद वो महिला बेहोश हो गई। उसके गले के मंगलसूत्र और कुछ चांदी के जो जेवरात थे और कुछ नकदी जो रुपए थे वो लेकर ये लोग वहां से फरार हो गए। छह, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा साधु यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और जब उसी के बगल में एक दूसरा गाँव है पिपलिया गज्जू करके, वहां पर जब महिला होश में आई तो उसके बाद इन्हें साधुओं को खोजा गया, ढूंढा गया, जो दूसरे गांव में मिले हैं वहां ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ा है, और पकड़ने के बाद पुलिस को बुलाया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस ने अब इन साधुओं के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन इस तरीके के साधुओं से सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के लुटेरे, साधु के भेष में हम कहें लुटेरे हैं, ये इस तरीके से लोगों को तो लूट ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्म है उसकी भी हानि विजय जी ये लोग कर रहे हैं। शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो आम बात हो चली है साधु का चोला पहनकर लोगों को लूटना, और ऐसे में वो लोग जो वाकई साधु होते हैं कहीं ना कहीं उन पर भी शक की सुई आ जाती है, लोग उनसे भी घबराने लगते हैं।